फिहोवा में कांग्रेस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां रूठे कांग्रेसियों को मनाकर मनदीप चट्ठा के साथ खड़ा कर दिया, वहीं पूर्व मंत्री बलबीर सैनी भी कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें कि पिहोवा में सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरमनदीप सिंह के निवास स्थान पर उन्हें मनाने पहुंचे। साथ ही पूर्व मंत्री बलबीर सैनी, 11 पार्षदों व पूर्व पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। यही नहीं, पिहोवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे प्रत्याशियों को भी मनाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे और उन्हें इस काम में सफलता भी मिली। आपको बता दें कि पिहोवा अम्बाला रोड पर स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में कांग्रेस नेता हरमनदीप सिंह के निवास स्थान पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। आपको एक बार फिर से बता दें कि हरमनदीप सिंह व संदीप ओमकार पिहोवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट न मिलने के कारण वह पार्टी से नाराज चल रहे थे, जिन्हें मनाने सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरमनदीप सिंह के निवास स्थान में संदीप ओमकार के कार्यालय पर पहुंचे। पूर्व मंत्री बलबीर सैनी ने पिहोवा में सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। बलबीर सैनी ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी से नाराज थे क्योंकि पार्टी की तरफ से उन्हें कोई भी मान सम्मान नहीं मिला था। वहीं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बलबीर सैनी के कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने वाले हर कार्यकर्ता को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से, क्योंकि मान सम्मान और आपको उचित स्थान कांग्रेस पार्टी में और आने वाले समय में आपको जरूर मिलेगा। ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी ताकि आप तो जो बात कही कि केवल आप ही बात नहीं है, आपने एक बहुत बड़ी बात की कि जो आपके साथ और आपके समर्थक की पूरी टीम इतना संघर्ष किया आपके साथ, आने वाली सरकार में इनका भी साझा हो, आपकी टीम का भी साझा हो, ये भी एक आपने जो बात कही है, तो इस बात को हम आगे लेके चलेंगे। हमारे आदरणीय बलबीर सैनी जी हमारे बीच में, बहुत से साथी में एक एक का नाम नहीं ले रहा, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मात शक्ति आपने देखा 10 साल बीजेपी की सरकार रही प्रदेश में, और आज 10 साल के बाद इस सरकार ने कितना नुकसान किया हरियाणा प्रदेश का, वो भी आपके सामने। जो हरियाणा प्रदेश देश में विकास का प्रतीक और खुशहाली का प्रतीक हुआ करता था, जब से हरियाणा बना तब से लेकर 2014 से पहले के अगर आप देखो तो देश में आगे होता था हरियाणा, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार में के बाद देश में नंबर एक बना दिया बीजेपी ने, बेरोजगारी में नंबर एक बन गया हरियाणा, आज नशे में पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में आ गया, नंबर एक बन गया हरियाणा आज अपराध में, क्राइम रेट में, अपराध दर में। ये हम नहीं कह रहे, ये तीनों भारत सरकार के आंकड़े हैं कि बेरोजगारी, नशे और अपराध में हरियाणा देश में नंबर एक है। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को इतना अंधकारमय कर दिया इन 10 साल में, ना कहीं इंडस्ट्री आई, ना कहीं निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार के अवसर मिले, और सरकारी नौकरी समाप्त कर दी सरकार ने, खत्म कर दी, पद खाली है या पोस्ट खत्म हो गई या कौशल निगम में कच्ची भर्तियां शुरू करा दी, कि आज हरियाणा का नौजवान कहीं डिप्रेशन का शिकार, कहीं बेरोजगारी की गर्द में, कहीं नशे की तरफ, कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश में डोंकी के रस्ते जाकर, जान हथेली पे रखकर इतनी उधारी अपने घर बार बेचकर विदेश में मजदूरी करने पर, क्योंकि हरियाणा में हरियाणा के नौजवान के भविष्य को वो देख नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति बन गई। हर वर्ग का अपमान इस सरकार ने किया, जैसा कहा सैनी साहब ने विस्तार से सारी बात बताई, तानाशाही सरकार, किसी वर्ग की सुनवाई नहीं, किसानों पे अत्याचार, 750 किसानों की जाने गई, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, व्यापारियों पे लाठीचार्ज, हमारी बेटियों को न्याय तक नहीं मिला, दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटना काम इस सरकार में हुआ, अहंकार और 10 साल तक सुनवाई नहीं, किसी को प्रॉपर्टी आईडी पोर्टलों में उलझा दिया, तो किसी को कच्ची भर्ती में सीटी में उलझा दिया नौजवानों को। तो भाई ये आज हरियाणा के लोगों में जो बदलाव की भावना जो उमड़ी है, 10 साल का जो कुशासन बीजेपी का है, आप किस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जारी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा आगे बढ़े, खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ हरियाणा आगे बढ़े, छत्तीस बिरादरी का भला हो, सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही
हम फैसले लेंगे बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का फैसला करा। किसान को MSP गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, महिलाओं को बुजुर्ग पेंशन से पहले की जितनी उम्र है हमारी महिलाओं माता और बहनों को, उनको 2000 रुपए की महालक्ष्मी योजना का लाभ देने का काम हम करेंगे। और महंगाई की कमर तोड़ेंगे, कमर तोड़ महंगाई कमर तोड़ते हुए 300 यूनिट बिजली में राहत और 500 रुपए गैस सिलेंडर का काम करेंगे। इनकी इज्जत होनी चाहिए, इनके जायज काम बननी चाहिए। इनको कभी भी धोखा नहीं मिलना चाहिए। तो केवल मात्र एक ही तमन्ना है, एक ही इच्छा है मेरी, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है और मुझे विश्वास दिया भी गया कि सैनी साहब चिंता मत करो, आपकी इज्जत होगी, आपके लोगों को भी न्याय मिलेगा, किसी तरह का अत्याचार जुल्म आपके लोगों के पास नहीं होने देंगे। तो साथियों, आज मेरा और अपना तो खत्म हो गया। भाई मंदीप जी से भी कहूंगा कि हमने बड़ा सोच समझ करके चलना है, आखिरी मौका है। हमने अच्छे सलाहकार, हमने कैसा शासन ऐसा यहाँ पर भगवान ने चाहा, हवा हमारे पक्ष में है, इसमें कोई शंका नहीं। सरकार आपकी बनेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनेगी। और साथियों, 70 सीटें आएंगी, मैंने सारा निचोड़ निकाल लिया, 70 सीटें आएंगी। तो इसलिए साथियों, मैंने ये फैसला किया है कि मैं जनहित में, आज आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं था, कोई जनाधार नहीं था, और अफसोस तो उस समय हुआ जब वो पार्टी कहने लगी काम यहां कर रहा था कि आप लाडवों से सीएम के मुकाबले में लड़ लो। अरे काम करता हूं पेवा में, लड़ू सीएम के मुकाबले में। तो इसलिए साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक ही इच्छा है, एक ही तमन्ना है मेरे दोस्तों, चुनाव को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें ये अभिमान नहीं करना। लोग कहते हैं कि सैनी साहब आ गए, अब तो 10-15 हजार वोट तो बढ़ गई। नहीं मेरे दोस्तों, मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के वोट बढ़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं तो आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि दीपेंद्र जी को भी, भाई मंदीप जी को भी, आज मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया, दिन रात एक करूंगा, दिन रात।